दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाता हूं, किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूं और साथ ही मैं अपने वीडियो बनाने में किन किन चीज़ों का यूज करता हूं, कौन सा माइक यूज करता हूं, कौन सा मेरे पास लैपटॉप है, कितने मोबाइल है और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा और अपना स्टूडियो भी दिखाऊंगा। अभी अगर आप देखो तो अभी मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूं, बाहर में और ये मेरा छत है और अभी अगर आप देखोगे पीछे तो इधर बारिश भी हो रहा है और आपने कुछ वीडियो में ये वाला भी लोकेशन देखा होगा, ठीक है। मतलब कभी कभी मैं इधर के साइड भी वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको अपना स्टूडियो और किस तरीके से अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने स्टूडियो में। अगर आप देखो तो ये है मेरा स्टूडियो, यहाँ से मैं अपने स्टूडियो का गेट ओपन करता हूँ और चलो आओ बताता हूँ कि मैं अपना वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये है मेरा स्टूडियो, यहाँ से मैं अपने स्टूडियो का लाइट ऑन करता हूँ। तो ये हमने अपने स्टूडियो का पूरा लाइट ऑन कर दिया है। अभी देखो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे पास एक रिंग लाइट, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है एक ट्राइपॉड, ये रहा, ठीक है, ये रिंग लाइट और ट्राइपॉड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना रिंग लाइट जो है यहाँ से जलाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बोर्ड है, बोर्ड इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये देखो यहाँ से मेरा रिंग लाइट ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला एक मोबाइल है जिस मोबाइल को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, देखो इस तरीके से मैं मोबाइल लगाता हूँ, ऐसे मोबाइल लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला लोकेशन इसमें देख सकते हो, मेरा पीछे स्टूडियो है, इधर से मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले तो चलो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर सब कुछ दिखे। तो देखो ये रहा, ये वाला आप देखे होगे वीडियो में, कल जो वीडियो मैंने डाला था उसमें इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। और चलो आओ इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। देखो इधर मेरे पास एक है चेयर, ठीक है, इस चेयर को मैं यहाँ पे रखता हूँ वीडियो बनाने के समय। उसके बाद पीछे आपने देखा होगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला पेड़ जो कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो वीडियो में थोड़ा सा ग्रीन जैसा दिखता है तो ये अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरे पास ये आप बैकग्राउंड में ये वाला माइक देखे होंगे, और ये एक RGB लाइट है, ठीक है, ये RGB लाइट यहाँ पे चलते रहता है जिससे कि इसका जो कलर है वो अच्छा लगता है देखने में, मतलब ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये सब कलर में धीरे धीरे स्विच होते रहता है और चलता है। उसके बाद ये एक लैपटॉप है, यहाँ पे अपना प्ले बटन, और मेरे पास एक टेबल है, और ये चेयर आपने देख ही लिया, ठीक है। बाकी मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ वो अभी जो फ़ोन जिससे शूट हो रहा है, ठीक है, उस फ़ोन से मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बैठता हूँ और ये देखो यहाँ पे पूरा सेटअप मेरा कुछ इस तरीके से लगा रहता है, और मैं जो अपना वीडियो है वो फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। और अगर माइक की बात करूँ तो ये माइक मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक माइक लिया था, ये देखो आप, ये डिजिटेक का माइक है, एक माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है और एक अभी बंद है, ठीक है, और एक रिसीवर है जो कि फ़ोन में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका एक रिसीवर भी होता है। तो यही वाला माइक जो 4,500 में मिलता है ये वाला भी मैं यूज कर रहा हूँ। पहले बोया का जो नॉर्मल वायर वाला माइक था वही यूज करता था, बट थोड़ा सा उसमें जो है झंझट टाइप का है कि हाँ वायर लगाओ, ये करो इधर, तो उतना दिखता था, ठीक है। तो बस ये वाला माइक मैं ले लिया हूँ, बाकी पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से रहता है। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो जो कैमरा है, ठीक है, मोबाइल, उस मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड होता है पूरा कुछ, और जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ वो लाइव मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलते रहता है और कैमरा के सामने मैं बोलते रहता हूँ। बाद में क्या करता हूँ कि वो जो है एडिटिंग में जाके, एडिटिंग एप्लीकेशन में, जो अभी मैं VN एप्लीकेशन यूज करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाता हूँ और वीडियो को ऐड करके और अच्छे तरीके से सेट कर देता हूँ, जिससे कि जो भी मैं कैमरे में बोलता हूँ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते रहता है। ये सब कुछ मैं इस तरीके से लगाता हूँ। अगर इसके ऊपर आप एक डिटेल से वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आपने मेरा पूरा कुछ ये सेटअप में देख लिया कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा सेटअप टूर अच्छे से देखना हो, वैसे तो सारा कुछ आपने देख ही लिया है, बट क्या क्या यूज किया हूँ यहाँ पे, सेटअप में क्या क्या है, कितना पैसा लगा है सेटअप बनाने में, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। बाकी इस तरीके से मैं अपना YouTube वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।